नरेश अंकल जी हैं जो कि भाई एक समाज सेवी हैं, उनकी एक संस्था है और उसकी तरफ से कोई भी अगर शादी होती है 121 रुपये। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो भाई। उस टाइम 10 कट्टे सीमेंट के और दे जाएंगे भाई। तो अच्छी बात है, पता चला था, नरेश ने बताई थी कि भाई ऐसे ऐसे अपने गुड़िया की शादी है। महीने में 2 शादी भी आ जाए, एक भी आ जाए, महीने में 3 भी आ जाए, हर जगह पूछ रहे। हाँ, सभी साथियों को राजवीर कुमार की राम राम भाई। साथियों, जैसा कि आप लगातार मेरे चैनल पर देख रहे हो, फेसबुक पेज पर लाइव वीडियो आप कंटिन्यू देख रहे हो कि भाई आज कैरू के अंदर जो है एक बार फिर से मैं लाइव जुड़ चुका हूँ। और यहाँ पर भाई बड़ी खुशी की बात है कि कुछ देर पहले भाई पूरा जो कैरू का जो पूरा समाज था एकत्रित हुआ और भाई बहुत बड़ी मदद यहाँ पर जो है करके गए हैं। साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, नरेश अंकल जी हैं जो कि भाई एक समाज सेवी हैं, उनकी एक संस्था है और उसकी तरफ से कोई भी अगर शादी होती है गाँव के अंदर तो भाई बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। अंकल जी को जैसे ही पता चला कि भाई ये परिवार में शादी है तो भाई भागे भागे चले आए और भाई समस्त टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई इस तरह की जो वीडियो होते हैं तो उनको शेयर ज़रूर किया करो भाई, ठीक है, क्योंकि अच्छी वीडियो को शेयर करना चाहिए और जो वाहियात की जो चीज़ें होती हैं उनको इग्नोर कर दिया करो। तो चाचा नरेश जी हैं, साथ में समस्त टीम यहाँ पर पहुँची है, तो पूछेंगे अंकल जी से कि भाई क्या कुछ आज इस गुड़िया की मदद के लिए लेकर के आए हैं। तो नरेश अंकल जी नमस्कार। नमस्कार भाई। तो गुड़िया के लिए 6 सूट, 1 साड़ी और 1 पैंट शर्ट। तो साथियों 6 सूट हैं, 1 साड़ी है और 1 पैंट शर्ट है। वही कैमरा मैन एक बार चारों तरफ कैमरा घुमाता रहा है। और इधर मैं बताना चाहूँगा भाई, सुबह आपने लाइव देखी होगी भाई समीर जो कि मतलब मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन उनके मन में ज़रा सी भी ये भावना नहीं है कि भाई मैं किस समुदाय से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि भाई हमारा एक जो समाज है ना वो एक परिवार होता है। और कुछ जो नेता मंत्री होते हैं ना वो क्या करते हैं, घृणा फैलाते हैं कि वो तुम इस जाति के हो, इस धर्म के हो। तो भाई ने बहुत बड़ी मतलब जो है कि मिसाल कायम की है। हमारे समीर भाई हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं भाई आगे आए हैं और इतनी बड़ी जो है मदद करके इन्होंने भाई बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। तो भाई अंकल जी ये हैं 21,121 रुपये। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो भाई। एक साड़ी है, 1 पैंट शर्ट, 1 जोड़ी चप्पल आगे। और मैं ड्यूटी करता हूँ गुड़गांव में, घाटा गांव में, और घाटा गांव के सारे साथियों का सहयोग है, ठीक है भाई। पैसे और भी है हमारे पास, लेकिन एक कॉल और भी आ रही है, वहाँ भी जाना है। बहुत ज़्यादा मदद हो चुकी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अब अच्छी तरह से बहन जो है यहाँ से चली जाएगी और उनका बहुत अच्छी बात। अभी हमने सुनी थी, एक वीडियो देखी थी कुछ देर पहले, एक भाई भारे परिवार का 2 चौक कमरे है, गाटर चौके ही बोली गया है। तो भाई जिस टाइम ये बनाओगे कमरे, उस टाइम 10 कट्टे सीमेंट के और दे जाएंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद अंकल जी। नमस्कार जी, आप कहाँ से हो? करू से। भाई शुभ नाम आपका? सौमवीर जी। तो क्या कुछ को आवाज बहन की शादी, मतलब इतनी ज़्यादा मदद आई है और बढ़ चढ़ कर हर समाज का जो युवा है आगे आया है भाई। बढ़िया से बढ़िया, अपनी बहन को विवाह करो, विदाई करो और भाई जितना सहयोग हो उतना करो। गांव ने बहुत मदद मारी है, बहुत मदद करी है गांव ने, हर बिरादरी 36 बिरादरी मदद कर रही है, कोई भी पीछे नहीं है। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा नाम जयवीर सिंह है, मैं नरेश का बड़ा भाई हूँ, गुड़गांव में नौकरी कर रहा हूँ। तो अच्छी बात है, पता चला था, नरेश ने बताई थी कि भाई ऐसे ऐसे अपने गुड़िया की शादी है, तो जैसे भी जो बन पड़े गांव के सहयोग से, गांव को मांड के सभी लोगों ने, भाइयों ने मदद करी है। आगे भी आए कोई और भी कोई ऐसा कुछ हो तो हम सब के लिए आगे रहें। नरेश अंकल जी धन्यवाद। नरेश अंकल जी आज मतलब आज भाई साहब समीर भाई हमारे खान मतलब मुस्लिम समुदाय से आने वाले, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी मदद आज यहाँ पर की है, तो क्या कुछ कहोगे भाई? बहुत अच्छी बात है, एक समाज के लिए कोई भी समाज उसके लिए कोई आगा हो है, कोई मदद करे, बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ तो गुड़गांव के साथी हैं, वो कोई मेरे साथ थोड़ी आता है भाई, मैं आके देखता हूँ सारा। वो तो सिर्फ मैं कॉल करूँ, कोई 1,000 दे, कोई 500, कोई 100, जैसे भी इच्छा हो है। एक 30 लोग हैं ग्रुप है मेरा, 30 ही बंदे, ज़्यादा नहीं है, हम 30 बंदे इतना कुछ कर रहे हैं। महीने में 2 शादी भी आ जाए, एक भी आ जाए, महीने में 3 भी आ जाए, हर जगह पूछ रहे हैं। हाँ, लेकिन हमने आज तक ये सिस्टम कुछ नहीं, छोटी सी वीडियो बना करते हम और अपने ग्रुप पे छोड़ दिया करते। तो भाई ये समाज का लड़का, ये मेरा हमने देखी, ये भाई का स्टूडेंट है,
और वैसे मैं जानता हूँ पहले से भी, इसके पापा ने भी, इसके दादा ने सबने जाना बहुत। समीर भाई जैसे नरेश अंकल जी ने आज यहाँ मदद की है, तो क्या कुछ कहो नरेश अंकल जी? मैं बहुत बहुत पहले तो मैं नरेश अंकल जी का और जयवीर मास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ इतनी मदद करी है। यहाँ आके 21,121 रुपये की मदद की है। और कितनी साड़ी है अंकल जी? छह सूट है, एक साड़ी, एक पेंट बूट सेट, एक चप्पल की जोड़ी। और मैं इनका तय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे गांव का भी मैं तय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे गांव इतना मदद में लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गांव का भी। धन्यवाद समीर भाई। तो साथियों माता जी भाई, अपनी बहन की माता जी हैं यहाँ पर। ताई जी राम राम। राम राम। तो नरेश अंकल जी आए हैं मदद लेके, बहुत बड़ी मदद लेके आए हैं, तो क्या कुछ कहो? इनकी बहन बेटी से इन्हें बहुत मदद करी से, खूब दिया है। तो जैसे आप इस शुरुआत वीडियो बनाई लग गए, मतलब इतना वो मतलब भाईचारा इकट्ठा हो जाएगा खूब। तो राम राम ने मेरी आपने खूब खुशी से इनका काम, इनका करना है ना, खूब मदद दी से सारा सब। तो में लिया कि ना अपने कमरे की बात भी हुई थी शादी का, मतलब कमरा बन जाएगा ना? हाँ बनेगा जी, बनाएंगे लाके ना। तो सबसे पहले धन्यवाद करना था भाई कहरू की पंचायत का, जितने भी कहरू की पंचायत है, युवा साथी हैं, यानी कि एक से एक बढ़ चढ़ कर भाई भाग लिया भाई। और गांव राम होता भाई, आप सभी को पता, राम इसलिए लगाया था गांव के आगे कि भाई गांव जो चाहे ना कुछ भी कर सकता है। आपने पीछे राजस्थान के अंदर देखा होगा, मिसाल दी थी भाई जिस तरह अरनंदी का जो बात था ना, उसी तरह से भाई यानी 400 लोग जो बाती बन के वहाँ पर पूछे थे भाई एक बहन के मतलब शादी में। तो इतना बड़ा बात भाई आज तक नहीं भरा गया, वो पूरे गाँव का सहयोग से ही हुआ था। अगर गाँव चाहे तो भाई कुछ भी करवा सकता है। और आज यहाँ पर ऐसा लग रहा है इनकी जो कमरे की बात हमारी हुई थी वो भी पूरी हो जाएगी, और बहन की जो शादी है ना वो भी अच्छी तरह संपूर्ण हो जाएगी। तो अंकल जी लास्ट में युवाओं से क्या कुछ कहोगे जो कि मतलब बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं? भाई युवाओं ने एक समूह बना लेना चाहिए, ऐसी कोई स्थिति आओ किसी बहन बेटी में आ जाओ, जरूरी नहीं युवा को कमा नहीं रहे, 50-100 से भी अगर हेल्प करें युवा, आज के सारे युवा एक पूरा गाँव के अगर 100-100 रुपये भी इकट्ठे करें, 200 युवा हो गए तो 20-21 रुपये का सारा लग जाए। 100 रुपए में किसी ने पता ना चले, गरीब आदमी का काम नहीं चलता। युवाओं ने एक सबक लेना। सोमिर नाम का लड़का है जूही का, उसने 2 रुपए भेजे थे सर, क्या कुछ? देखो उसकी 2 रुपए की श्रद्धा थी, उसकी 2 की श्रद्धा, 2 ही करेगा वो, अभी 2 लाख कहाँ से करेगा, जैसे श्रद्धा उतना ही करेगा वो। तो साथियों भाई सोमिर भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई, 2 रुपये डाला भाई देखो अकाउंट में, कितनी बड़ी मतलब क्या होता है कि इच्छा होनी चाहिए इंसान के अंदर, मदद करने की भावना होनी चाहिए। और मान भाई वो व्यक्ति जिसने 2 रुपए भाई किए हैं, ये वीडियो मेरे, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने ये वीडियो लोगों को दिखाई तो शुरू में तो विरोध भी हुआ मेरा, ये वीडियो फेक है, ऐसा कुछ नहीं है, फेक बना रहे हैं वीडियो। मगर भाई फेक ये कंडीशन करके देखो, ऐसे फेक वीडियो कौन बनाओगे? अपनी मजबूरी है, इसी गाँव की वीडियो, जिस गाँव का मैं हूँ जानता हूँ, उस परिवार ने भी जानता हूँ, फेक नहीं है भाई। और अब ये वीडियो काफ़ी दिन चल रही है, एक वीडियो नहीं काफ़ी वीडियो आ रही है, अब तो हर लोग इंसान को पता भी होगा फेक कुछ नहीं है, जो है हकीकत है। जो वीडियो एक मैंने डाली है, मैंने भी डाल रखी थी एक वीडियो, उस पर भी कुछ कमेंट आए थे कि भाई ये वीडियो फेक है। देखो और समीर भाई ये क्या होता है, समाज होता है ना, समाज में हर तरह के व्यक्ति आपको मिलेंगे, ठीक है, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, तो कमेंट के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, कमेंट हमको नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छी चीज़ें पढ़ो और बाकी इग्नोर करो। जो कमेंट दिखाया था सही का साथ देना है, हमारा मकसद क्या था, पूरे भाईचारा का मकसद ये था कि भाई ये बहन जो है अच्छी तरह से अपने दोबारा यहाँ से विदा हो जाए और हमारा मकसद पूरा हो जाए, बस वो अपना मकसद पूरा हो जाए। लेकिन वो कमेंट करने वाले हैं ना, वो व्यक्तित्व के तौर पे नहीं है, उनको मदद करनी चाहिए इस परिवार की, वो उनकी सोच है भाई। जब ये मकान बनाओ 10 कट्टे, मैंने बात बोल ली, मैंने कट्टा की जरूरत हो उसने एक दिन पहले बताया, नरेश अंकल जी ने 10 कट्टे सीमेंट के भाई ओढ़ लिए हैं। देखो भाई बहुत बहुत धन्यवाद नरेश अंकल जी। हाँ जी आप बताओ क्या कहना भाई? ये नरेश ने 10 कट्टे बोल दिए भाई, 10 कट्टे मैं दूंगा, इस कमरे की चिनाई मैं कर दूंगा भाई। अच्छा मिस्त्री हो गया? हाँ जी ठीक है, ताली बजाओ भाई। हाँ इस कमरे की चिनाई मैं कर दूंगा कंप्लीट, ठीक है। देखो भाई साथियों जैसे चढ़ाई का थोड़ा काम मुझे भी आता है, लेकिन मैंने भी उठा था भाई, अगर पैसे पे मतलब सहायता होती है ना पूरी पैसे से, तो भाई चढ़ाई का काम मैं करवा दूंगा। बाकी आप जैसे अगर आगे आते हैं तो भाई दो दिन में जो है काम कर सकते हैं, सभी साथी कर देंगे बिल्कुल। मैं इस कमरे की चढ़ाई कर दूंगा भाई, आपका नंबर बता दीजिए 86077-18-245। तो जैसे भाई महीना 20 दिन या 2 महीना जैसे मतलब कुछ फ्री होगा टाइम, तो तब काम शुरू हो जाएगा। और ये भाई साहब है ना जो भाई पूरी मदद करेंगे, चिनाई का जो मदद होगी वो पूरी करेंगे बिल्कुल पूरी। तो अपनी भाई बेबे बेटी बेबे ने पूछा भाई एक बार के कुछ मतलब नरेश अंकल जी के बारे में, बेबे तो नरेश अंकल जी आए क्या कुछ कहोगे? इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको बता रहे हैं कि हमारी इतनी मदद की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है तो खुशी है ना आज? हाँ, बिल्कुल सारे काम ठीक हो गए बताएं। हाँ सारे काम ठीक हो गए भाई। देखो भाई बेटे का ब्याह है और कल भाई जो है शादी मतलब संपूर्ण हो जाएगी। और भाई राम राम भाई। राम राम भाई। आप कहाँ से? कैरू से। कैरू से। नरेश अंकल जी आए हैं अपनी समस्त टीम के साथ और पूरी मदद करी भाई, क्या कुछ कहो?
बढ़िया काम है जी, बढ़िया सहायता करी है लोगों ने, खूब बढ़िया काम करे, बढ़िया सिस्टम दिया जी। ठीक है तो साथियों भाई एक बार फिर से कहना चाहूँगा भाई, नरेश अंकल जी जो हैं काफ़ी अच्छे लगातार कंटिन्यू कार्य करते हैं, जितनी शादियाँ होती हैं गरीब परिवारों के अंदर 11,000 तो कम से कम उनकी होती होती है, लेकिन यहाँ पर भाई जो है 21,000 रुपये मदद करी है, साथ में साथ भाई सूट हैं और पेंट शर्ट्स दे करके भाई मदद करी है, और साथ में सीमेंट के 10 कट्टे भाई इन्होंने उठे हैं। एक बार फिर से कहता दिल से धन्यवाद, और भाई इस वीडियो को सब शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।